Good morning, students. Welcome to the class. As we were reading Unit 2, Ivan's Story. Ivan's Story, which is written by Catherine Applegate. And as you all know, Catherine Applegate is an American writer whose include fantasy and adventure novels. And this story is an extract from the one and only Ivan. ये जो स्टोरी है कैथरीन एप्लीगेट के द्वारा लिखी गई एक बुक है द वन एंड ओनली इवान, उसमें से ये एक पार्ट लिया गया है. इवान इवान इज अ गोरिल्ला हु लिव्स इन अ केज एट अ मॉल. ही स्पेंट हिज 27 ईयर्स इन अ सिमिलर सिचुएशन. वो 27 ईयर्स तक एक सिमिलर एक सेम सिचुएशन में रहता है. दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इंटू 8 पार्ट्स एज आई टोल्ड टू यू. द फर्स्ट वन इज द ग्रंट, मड, प्रोटेक्टर, द परफेक्ट लाइफ, the end, wine, the temporary human, and the last one is hunger. Okay, students? So, the grunt and mud part we have read. So, in previous class, we have read about Ivan, where he was born. He was born in Central Africa. He lived in a dense rainforest which was very beautiful. वो एक dense rainforest में रहता था Central Africa के, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, और वो place बहुत ही beautiful थी. No crayons could ever do it justice. कोई भी crayons color उसे draw नहीं कर सकती थी, उसे पेंट नहीं कर सकती थी उसकी खूबसूरती को. इवान हैड अ सिस्टर हुज नेम वाज टैग. मड. इन दिस पार्ट वी हैव रेड हाउ इवान नेम्ड मड. हमने इस पार्ट में जाना कि किस तरह से इवान का नाम मड रखा गया था. हिज पेरेंट्स नेम्ड मड व्हेन दे सॉ इवान ऑल डे लॉन्ग एवरी डे मेड पिक्चर्स. इवन ही ड्रू ऑन रॉक्स एंड बार्क and his poor mother's back also, and he filled color to the juice of leaves and fruits, but most of the time he used mud to paint his pictures. मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने पिक्चर्स को पेंट करने के लिए मड का यूज़ किया था. मड जो एक गीली मिट्टी होती है. सो हिज नेम्ड मड, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसका नाम मड रख दिया. नाउ लेट वी सी. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इवान जो गोरिल्ला था उसका नाम इवान तब रखा गया जब वो ह्यूमन बींग्स के बीच में सर्वाइव करने को आया, जब वो ह्यूमन बींग्स के बीच में रह रहा था जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था. मड उसका नाम तब रखा गया था जब वो अपनी वाइल्ड लाइफ सर्वाइव कर रहा था, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहा था, तब उसका नाम मड रखा गया था.
Now let me see a third part, protector. Protector, it means protect karne wala, suraksha karne wala, raksha karne wala. For example, in your house, your father, mother and your guardian is a protector. आपके घर में आपके फादर हैं, मदर हैं, या फिर आपके कोई अदर गार्जियन हैं, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, अंकल एंड वट एवर इज़ दैट, वो आपके प्रोटेक्टर हैं. व्हाई? बिकॉज दिस टाइम यू आर अ किड. आप एक किड हो, बच्चे हो. यू डोंट नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग. आपको नहीं पता क्या राइट है क्या रॉन्ग है. सो दे आर योर प्रोटेक्टर. Just like here in this story, protector. My family, which humans call a troop, was just like any other gorilla family. Here Ivan is speaking. My family, मेरी family, जिसे human troop कहते हैं, gorilla या monkeys के group को हम troop कहते हैं. तो यहाँ Ivan बता रहा है कि मेरी family, जिसे ह्यूमंस ट्रूप कहते हैं, वाज जस्ट लाइक एनी अदर गोरिल्ला फैमिली, जिस तरह से अदर गोरिल्ला फैमिली होती है. देयर वर 10 ऑफ अस, माय फादर द सिल्वर बैक. हम 10 थे, यानी इवान की फैमिली में 10 मेंबर्स थे. माय फादर द सिल्वर बैक. सिल्वर बैक इट मीन्स एन एडल्ट मेल गोरिल्ला विद वाइट और सिल्वर हेयर अक्रॉस इट्स बैक. सिल्वर बैक का मतलब होता है गोरिल्ला फैमिली में एक एडल्ट मेल जिसके बैक पर वाइट या फिर सिल्वर कलर के हेयर होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिल्वर बैक. तो मड की फैमिली में, और यू कैन से इवान की फैमिली में. ओके, सो इवान की फैमिली में, या फिर आप कह सकते हो मर्ड की फैमिली में टोटल 10 मेंबर्स थे, जिसमें उसके फादर जो एक सिल्वर बैक थे, माय मदर एंड 3 अदर एडल्ट फीमेल्स. उसके फादर के अलावा और मदर के अलावा 3 अदर एडल्ट फीमेल्स भी थी. अ यंग मेल कॉल्ड अ ब्लैक बैक. और एक यंग मेल था जिसे ब्लैक बैक कहा जाता था. ब्लैक बैक होता है जो गोरिल्लाज में सबसे छोटा बेबी होता है, उसे ब्लैक बैक कहते हैं. तो उनकी फैमिली में फादर थे, मदर थे, 3 एडल्ट फीमेल थी, अदर यंग मेल जो जिसे ब्लैक बैक कहा जाता था वो थे, एंड 2 अदर यंग गोरिल्लाज. और उसके अलावा 2 अदर यंग गोरिल्लाज भी थे. टैग एंड आई वर द बेबीज ऑफ द ग्रुप. ग्रुप में टैग और मैं जो थे बेबीज थे, छोटे बेबी थे ग्रुप में. वी फाउट फ्रॉम टाइम टू टाइम. हम लड़ा करते थे टाइम टू टाइम. बट माय फादर न्यू हाउ टू कंट्रोल अस विद अ सिंपल स्काउल. स्काउल इट मींस व्हेन समवन लुक एंग्री वे. ओके, जब गुस्से से कोई देखता है उसे बोलते हैं स्काउल. तो यहाँ पे मड बता रहा है कि मैं और मेरी सिस्टर मोस्टली लड़ा करते थे, फाइट किया करते थे, लेकिन मेरे फादर जानते थे कि हमें कैसे कंट्रोल करना है. वो एक सिंपल एंग्री लुक दिया करते थे, एंड फॉर द मोस्ट पार्ट वी वर हैप्पी टू डू व्हाट वी वर मीन टू डू, टू फीड एंड सर्च फॉर फूड. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हम खुश थे. What we were mean to do, to feed and search for food. हम food search किया करते थे, एक साथ खाया करते थे, and nap and play. Nap लिया करते थे, play किया करते थे. Who? Tag and mud. My father was a master at leading us to the ripest fruit for our morning feast. मेरे father master थे. किस चीज़ में मास्टर थे? राइपेस्ट फ्रूट को सर्च करने के लिए, क्योंकि उनके मॉर्निंग फीस्ट जो थी, यानी मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता था, राइपेस्ट फ्रूट होते थे. और उसके फादर जो थे बहुत बिल्कुल मास्टर थे, एक्सपीरियंस थे राइपेस्ट फ्रूट को सर्च आउट करने में.
एंड द फाइनेस्ट ब्रांच फॉर आवर नाइट नेस्ट। और उसके फादर जानते थे कि किस तरह से एक फाइनेस्ट ब्रांच से नाइट नेस्ट बनाती है, यानी ब्रांच को जो ट्रीज़ की ब्रांच होती थी उनको टाइटली टाइट किया जाता था और उनके लिए नाइट नेस्ट बनाया जाता था ताकि वो रात में प्रोटेक्टिव होकर सेफली जो है वो सो सके, वो नीचे ना गिरे। ही वॉज एवरी थिंग अ सिल्वर बैक इज मीन टू बी अ गाइड, अ टीचर, अ प्रोटेक्टर। हमारे फादर सब कुछ थे हमारे लिए, एक गाइड, एक टीचर, एक प्रोटेक्टर। नाउ द परफेक्ट लाइफ। गोरिल्ला बेबीज, एलिफेंट बेबीज एंड ह्यूमन बेबीज आर नॉट सो डिफरेंट एक्सेप्ट दैट अ गोरिल्ला गेट्स टू स्पेंड द डे राइडिंग ऑन हिज मदर्स बैक। यहाँ पे मैं कहना चाहता है, गोरिल्ला बेबी, एलिफेंट बेबी और ह्यूमन बेबी बहुत डिफरेंट नहीं होते, बस थोड़ी सी डिफरेंस ये होती है कि जो गोरिल्ला बेबीज होती हैं वो होल डे अपने मदर्स के बैक पर राइडिंग करते हैं और अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। स्लोली केयरफुली अ यंग गोरिल्ला बिगिंस टू गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ हिज मदर्स आर्म। और जैसे जैसे यंग गोरिल्ला बड़े होते जाते हैं वो अपने मदर्स के आर्म से निकल कर दूर चले जाते हैं, गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ हिज मदर्स आर्म, अपनी मामा के आर्म्स की जो सेफ्टी होती है उससे धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। जैसे होते हैं ना छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बेबी जो होते हैं, इन्फेंट, छोटे बेबी, जब तक वो छोटे रहते हैं चलना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, खेलना नहीं जानते, अपने मदर्स के आगे पीछे रहते हैं, मामा उनकी प्रोटेक्टर होती हैं। स्लोली स्लोली वो बड़े होने लगते हैं, मूवमेंट होती है उनमें, सोसाइटी में आते हैं, सोसाइटी के अमोंग बीच में रहने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो अपने मम्मा का हाथ छोड़कर अपनी एक अलग ही ग्रुप बना लेते हैं। आप बच्चे हो, ग्रो अप हो गए हो, तो आपका एक अलग ग्रुप है, आपकी भी एक अलग दुनिया है, फ्रेंड्स की दुनिया। अब आप पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो अपने मदर की या फादर के ऊपर। ऐसा नहीं कि अब मदर आपको हाथ पकड़ कर चलाएंगी या फिर आपके बहुत सारे काम करेगी। अब आप बहुत सारे काम खुद से रिस्पॉन्सिबल बन गए हो, बहुत सारे काम खुद से कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक एज हियर, जैसे जैसे यंग गोरिल्लास बड़े होते जाते हैं वो अपने मदर के आर्म्स से दूर चले जाते हैं। ही लर्न द स्किल्स ही विल नीड एज एन एडल्ट। वो सारे स्किल्स सीखते हैं जो एक एडल्ट गोरिल्ला के लिए ज़रूरी होती है। हाउ टू मेक अ नेस्ट ऑफ ब्रांचेस, वो सीखते हैं कि किस तरह से ब्रांचेस से नेस्ट बनाए जाते हैं। इट मीन्स वीव देम टाइटली और दे विल फॉल अपार्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट। वो सीखते हैं कि किस तरह से ब्रांचेस के नाइट बनाए जाते हैं, उनको टाइटली टाइट किया जाता है ताकि वो नाइट में मिडल में गिर पेड़ से नीचे न गिर जाएं। हाउ टू बीट योर चेस्ट, कप योर पाम टू एम्प्लीफाई द साउंड। ओके, जैसे जैसे यंग गोरिल्लास एडल्ट होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, वो सीखते हैं कि किस तरह से अपनी चेस्ट को बीट करनी है और अपने पाम्स को कप शेप में बनाकर एम्प्लीफाई द साउंड, यानी लाउडर साउंड कैसे बनानी है, किस तरह से लाउडर साउंड मेक करने हैं। हाउ टू मूव फ्रॉम ट्रीज टू ट्री, वो सीखते हैं कि किस तरह से ट्री टू ट्री हमें मूव करना है। हाउ टू बी काइंड, स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल। इसके अलावा एक एडल्ट गोरिल्ला ये भी सीखते हैं कि हमें किस प्रकार काइंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। एज अ यंग गोरिल्ला यू मेक मिस्टेक्स, यू प्ले, यू लर्न। जब आप एक यंग गोरिल्ला होते, छोटे गोरिल्ला होते हो, आप मिस्टेक्स करते हो, खेलते हो और बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। यू डू इट ऑल ओवर अगेन, और आप उसको बार बार करते हो। इट वॉज फॉर अ वाइल अ परफेक्ट लाइफ, ये सब कुछ होता था।
और परफेक्ट लाइफ, एक परफेक्ट लाइफ थी। सो स्टूडेंट, जब आप छोटे होते हो, बहुत सारी गलतियां करते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हो, खेलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, और हम उन एक्टिविटीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, सॉरी बोलते हैं, फिर मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लेसन हम लर्न भी करते हैं, बट फिर भी हम वो काम अगेन एंड अगेन करते हैं, बट वो एक परफेक्ट लाइफ होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे मट बताना चाहता है कि हम जब एक यंग गोरिल्ला थे, मिस्टेक्स करते थे, प्ले करते थे, लर्न करते थे, सब कुछ बार बार करते थे, फिर भी वो एक परफेक्ट लाइफ थी, मड की एक परफेक्ट लाइफ थी। द एंड। वन डे, अ स्टिल डे, व्हेन द हॉट एयर हम्ड द ह्यूमन स्किन, एक दिन जब गर्म हवाएं चल रही थी, द डे वॉज सो स्टिल एंड क्वाइट दैट यू कुड हियर द एयर एज इट वेंट पास्ट। बिल्कुल शांत माहौल था, क्वाइट एनवायरमेंट था, हवाओं की गुजरने की, हवाओं के चलने की आवाज आ रही थी, इतनी शांति थी। द ह्यूमन्स केम, ह्यूमन आई। After they captured my sister and me, they put us in a cramped dark crate. Cramped, it means in small and crowded with not much room to move. And crate, it means a large wooden container for transporting something. Crate का मतलब होता है एक large wooden container होता है जिसमें transport करने के लिए use किया जाता है, जिसमें बहुत सारे things वगैरह होते हैं, goods होते हैं, उनको transport करने के लिए use किया जाता है। और क्रैम्प जो होता है वो एक स्मॉल और क्राउडेड क्राउडेड प्लेस होती है जिसमें आप मूव नहीं कर सकते। सो जब हॉट एयर चल रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी, डे बिल्कुल क्वाइट था, दिन बिल्कुल शांत था, हवाओं के भी गुजरने की आवाज़ आ रही थी, तभी ह्यूमंस आते हैं और टैग और मड दोनों को कैप्चर करके एक क्रेट में रखकर ले जाते हैं। जिस प्लेस पे, जिस स्पेस पे, यानी जिस वुडन कंटेनर में उन्हें रखा गया था, वो प्लेस ऐसी थी जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था और वो मूव भी नहीं कर सकते थे। Somehow I knew that in order to live, I had to let my old life die. फिर भी मैं जानता था कि मेरी जो पुरानी लाइफ थी वो डाई हो चुकी। But my sister could not let go of it. लेकिन मेरी जो सिस्टर थी वो उसे भुला नहीं पा रही थी, अपनी पुरानी लाइफ को, अपनी वाइल्ड लाइफ को। She kept thinking about our home all the time. वो पूरी टाइम अपने घर के बारे में सोचती रहती थी, till she fell very sick. और तब तक वो बहुत सिक हो चुकी थी, बीमार हो चुकी थी। So students, in this chapter, till now we have learned our behavior should be kind in front of the animals, because they have also feelings. हमें अपनी behavior animals के प्रति kind रखनी चाहिए, उनकी भी feelings होती है, they have no words, but they can feel. उनके words नहीं होते, they could not speak like as a human beings, वो नहीं बोल सकते, but they have feelings, लेकिन फिर भी उनकी feelings होती है।
So read once again this chapter till here. We will continue our rest of the part in next class and think about the animals.